पिछले 35 सालों में कश्मीर करीब 3000 दिन बंद रहा। 35 साल में 3000 दिन बंद, यानी 35 साल में से 8 साल बंद में ही गुजर गए, जबकि पिछले 5 साल में 8 घंटे भी कश्मीर बंद नहीं हुआ। ये आपने किया है, ये आपका क्रेडिट है। अब आप मुझे बताइए, क्या आप चाहते हैं कि वो पुराने दिन फिर लौटे? क्या आप चाहते हैं कि फिर हड़तालें हो, फिर खून खराबा हो? क्या आप चाहते हैं कि फिर हमारी बेटियों के, कमजोर तबके के हक मारे जाए? ये चाहते हैं कि फिर स्कूल जलाए जाए? ये चाहते हैं फिर सिनेमा हॉल बंद हो? ये चाहते हैं या फिर कारोबार ठप हो? ये चाहते हैं कि नौकरियों में फिर पहले जैसी धांधली हो? साथियों, जम्मू कश्मीर में हम सिर्फ और सिर्फ विकास को, तेज तरक्की पर फोकस करते हुए काम कर रहे हैं। आज यहां बच्चों के लिए प्लेग्राउंड बने हैं, ये नया हब्बा कदल पुल, नए रंग रूप में सामने आए जीरो ब्रिज और अब्दुल्ला ब्रिज, गांधरबल में वाइल्ड ब्रिज, डल लेक और झेलम के इर्द गिर्द की सुंदरता, श्रीनगर की सड़कों पर दौड़ती इलेक्ट्रिक बसें, चकाचक पोलो व्यू मार्केट, आज चारों तरफ जो ये नयापन आ रहा है, जो खूबसूरती बढ़ रही है, ये सारे काम पहले भी हो सकते थे, लेकिन आज जो ईंट, जो पत्थर आपके रोड, आपके घर, आपकी इमारत में बनाने में लग रहे हैं, उनसे पहले कुछ लोगों ने आलीशान महल बनते थे। साथियों, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस के पास बताने के लिए काम नहीं, सिर्फ और सिर्फ नाकामियां है, नाकामियां। इन लोगों ने कश्मीर को सिवाय बर्बादी के और कुछ नहीं दिया, जबकि बीजेपी गरीब, किसान, नौजवान और महिलाएं सबके लिए बहुत बड़े इरादों के साथ इलेक्शन में उतरे हैं। यहां बीजेपी सरकार बनेगी तो किसानों के खाते में 6000 से बढ़ाकर 10000 रुपये हर साल जमा होंगे। यहां बनने वाली बीजेपी सरकार हर परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला के खाते में हर साल 18000 रुपये जमा करेगी। आज जम्मू कश्मीर के हर परिवार के पास 5 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा है। यहां बीजेपी सरकार बनी तो 7 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मिलेगा। बीते सालों में यहां गरीबों को हजारों घर मिले हैं। अब दिल्ली की केंद्र सरकार यहां 24 घंटे बिजली, और वो भी मुफ्त बिजली देने के लिए काम कर रही है। ये मुफ्त बिजली के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली स्कीम चल रही है। छत पर
सोलर प्लांट लगाने के लिए करीब 80,000 रुपये सेंटर की सरकार हर परिवार को दे रही है, हर परिवार को 80,000 रुपये।